और अब बात बेरोजगारों की। राजस्थान में एक तरफ लाखों बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल रहा, वहीं 83 ऐसे कर्मचारी पकड़े गए जो कि सरकारी नौकरी लगने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता अप्रूव करा चुके थे। इनमें से दो तो भत्ता उठा भी चुके थे। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड से डेटा लेकर जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। दो लोग तो सरकारी शिक्षक बनने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता ले चुके थे, जिसका पता चलते ही श्रम और रोजगार विभाग के सचिव नीरज के पवन ने फोन किया और मामले के बारे में जानकारी जुटाई। सचिव का फोन जाते ही दोनों चौंक गए। दोनों ने कहा कि हमसे गलती हो गई, जो भत्ता मिला है उसे जल्द वापस कर देंगे। दोनों ने करीब 20,000 रुपए का भत्ता लिया। अब दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी, बाकी की जांच भी होगी। वहीं मंत्री अशोक चांदना का कहना है कि बेरोजगारी भत्ते को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है, पात्र लोगों को ही ये भत्ता मिलेगा। खुशी की बात है कि एक सपना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव में खेलों को बढ़ावा देने के लिए देखा है, उस ओर हमारे विभाग ने दूसरा कदम रख लिया है। आज हम ऐप लॉन्च कर रहे हैं, जिस ऐप के तहत गांव में बैठा हुआ बच्चा अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके किस गेम के लिए वो ग्रामीण खेल के लिए रजिस्टर होना चाहते हैं, वो ऐप हम आज आप लोगों के बीच में लॉन्च कर देंगे और गांव में बैठा हुआ बच्चा डायरेक्ट इस ऐप के माध्यम से रजिस्टर्ड हो जाएगा और ये ग्रामीण खेल में हमारा पहला कदम है।